हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके पास लेके आए हैं हेलीकॉप्टर, छोटा सा बच्चों का खिलौना है। जो कि दोस्तों इसको आज करेंगे ठीक, इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, ये चल नहीं रहा है। देखिए इसका ये रिमोट भी है जिससे कि हम चलाते हैं लेकिन चलता नहीं है दोस्तों। तो आज इसको आप ठीक करके दिखाएंगे आपको कैसे ठीक हो सकता है, कैसे खोलेंगे इसको, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे ठीक करना है दोस्तों। बाकी हमारे पास जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी ठीक करनी, हम आपको दिखाते रहेंगे इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको दिख गया है दोस्तों, इसकी चार्जिंग जैक है जो कि टूट चुकी है, जिसके कारण ये चार्ज नहीं हुआ और ये चल भी नहीं रहा है। तो इसको लगाते हैं, खोलते हैं इसको पहले, और इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसके अंदर एल्फी लगा दिया। जिस बच्चे ने ये लिया होगा दोस्तों, उसने इसमें काफ़ी सारी एल्फी डाल दिया जिसके कारण ये चिप चुका है। और इसमें क्या हुआ, जब उसने एल्फी डाली थी फिर उसने चार्जिंग लगाया, तो चार्जिंग लगाने से क्या है उसकी पिन चिपक चुकी थी, और जब उसने निकाली तो पिन के समय तो जैक का बाहर आ चुकी है। तो इसको फटाफट खोल लेते हैं दोस्तों। देखिए खोलना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो यहाँ पे इसके पॉइंट्स बने हुए हैं, इनको थोड़ा बाहर की तरफ खींचेंगे और इसको खींचने से क्या होगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसको निकाल देंगे। लेकिन इसमें निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एल्फी लगी हुई है, तो ये टूट भी सकता है निकालते हुए, लेकिन इसको हमें सेफली निकालना है दोस्तों क्योंकि तोड़ना नहीं है। अगर टूट गया तो फिर ये दोबारा बनेगा भी नहीं, फिर हमें इसमें काफ़ी जुगाड़ बनाने पड़ेंगे जिससे ये ठीक होगा। तो लेकिन हम इसको सेफली निकाल लेंगे, कोशिश करेंगे सेफली निकालने की। तो चिमटी की मदद से जैसे जैसे आपको एल्फी दिखती है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पर कट लगाते जाएंगे और हल्का हल्का हटाते जगाएंगे, हिलाते जाएंगे, जिससे कि एल्फी टूटनी स्टार्ट हो जाएगी और ये बॉडी है बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। तो इसको फटाफट ऐसे करके निकालते हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ से एल्फी लगी है वहाँ से ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कट लगाते जाएंगे तो एलपी अपने आप ही टूट जाएगी और बिल्कुल सही तरह ये निकल जाएगा। तो इसको फटाफट निकालते हैं दोस्तों। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो देखने के बाद करें बेसिक से लाइक और कमेंट, पहले पूरी वीडियो देखें और सीखें कैसे इसको हम खोलेंगे और कैसे इसको हम ठीक करेंगे, कैसे इसकी चार्जिंग जैक लगाएंगे, कैसे इसकी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे दोस्तों। तो फटाफट इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, जो कि ये चिपका हुआ है बुरी तरह, तो निकल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं से टूटेगा जरूर हमें पता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मुश्किल से खोलते हैं और खोलते हुए बिल्कुल चोट भी लग सकती है हाथ वगैरह पे। तो सेफली खोलना दोस्तों। तो निकालते हैं इसको भी फटाफट, यहाँ से देखिए यहाँ से उठने लग गया है यहाँ से, लेकिन ये आगे की तरफ से चिपका हुआ है, जो यहाँ पे बल्ब दिया हुआ है तो यहाँ से ये चिपका हुआ है। तो देखिए ये दोनों साइडों से निकल चुका है, यहाँ से लॉक में जो अटका हुआ था यहाँ से निकल चुका है। तो थोड़ा बहुत इसको हिला के निकालते हैं दोस्तों, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो कोई दोस्तों 10-12 मिनट की होगी, तो वीडियो कम्प्लीट देखना। ये एक वीडियो आपने देख ली तो आप हेलीकॉप्टर में चार्जिंग जैक लगानी सीख सकते हैं दोस्तों, और खोलना भी सीख सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम में आए तो हेलीकॉप्टर आप इसको देख के ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको देखिए यहाँ से हमें खींच के निकालना पड़ेगा, और देखिए बिल्कुल आराम से निकल चुका है ये, कितनी आराम से निकला है तो आपने देख ही लिया दोस्तों। और इसमें दिक्कत क्या, देखिए यहाँ पर इसका जो बल्ब था आगे वो टूट चुका है, तो बल्ब शायद ये प्लेट से ही अटैच था, प्लेट वाला पॉइंट ही फट चुका है क्योंकि ये एल्फी से आगे जुड़ा हुआ है। बाकी इसको बल्ब को निकाल के देखेंगे, अगर निकाल के जंपर के थ्रू ये निकल गया तो ये बाकी निकलेगा मुश्किल ही, क्योंकि बुरी तरह चिपका हुआ है, सबसे ज़्यादा ये बल्ब ही चिपका हुआ है इसमें। तो कोई नहीं, इसके बिना भी चल जाएगा, इसमें खाली लाइट का ही काम करता है, जो बल्ब ब्लिंक होती है लाइट वही काम करता है। बाकी अब इसको खोल लेते हैं, आगे खोल के देखते हैं दोस्तों ये आगे क्या क्या चीज़ चिपकी हुई है और कैसे ये खुलेगा। तो ये देखिए यहाँ से भी ये चिपका हुआ है, इस साइड से भी, तो क्योंकि ये इसको भी हमें निकालना पड़ेगा ऐसे खींच के, लेकिन इसमें पहले इस चीज़ को निकालते हैं। तो देखिए इसको ये निकाल लिया हमने, एक आराम से निकल गया, दूसरे वाले को निकाल के देखते हैं ऐसे, क्योंकि ये जमा हुआ है, तो इसको भी ऊपर की तरफ निकालेंगे। देखिए दोस्तों ये निकल तो गया है, लेकिन निकलते ही इसने मेरी उंगली पर चोट मार दी चिमटी ने, यहाँ से फट चुका है। तो इसका भी इलाज करेंगे, खून आना स्टार्ट हो चुका है हल्का हल्का, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ये चिमटी लगी, जिसके कारण कि ये यहाँ से खाल है जो फट चुकी है, तो हमने यहाँ पे एक टेप लगा दिया था कि खून ना आए और वो जो खाल फटी है वहाँ पे चिपक जाए दोबारा। तो देखिए अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये नट दिए गए हैं, चार नट हैं, इन चारों नटों को फटाफट खोल लेंगे दोस्तों। नटों को खोल के आगे देखते हैं इसको आगे कहाँ कहाँ से चिपका हुआ है, तो फटाफट नट खोल लेते हैं दोस्तों। देखिए तो हमने इसके सारे नट खोल लिए, चार के चार। तो नट खोलने के बाद इसको सिंपली हमें इसे अलग करना होता है दोस्तों, अलग करने से अलग हो जाता है, लेकिन ये अलग नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें भी एल्फी ही लगी हुई है अंदर। तो इसको भी कट करके थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ पे एल्फी लगी हुई वहाँ से कट कर करके ब्लेड के साथ, तो कट करने से क्या होगा यहाँ से एल्फी टूटनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर इसको खोल देंगे आराम से। तो यहाँ से बिल्कुल सेफली हमें हम ध्यान से काटना पड़ेगा यहाँ से हर एक चीज़ को हल्का हल्का, जहाँ पर आपको एल्फी लगी होगी तो वहाँ से कट करते जाएंगे और खोलते जाएंगे। तो देखिए अब ये नीचे की तरफ से चिपका हुआ, थोड़ा उखाड़ लेंगे इसको, वही देखिए अब पकड़ के इसको अलग करते जाएंगे, जहाँ पे एल्फी लगी वहाँ से कट लगाते जाएंगे, नहीं तो सीधा इसको खोल लेंगे। तो देखिए इसका ये जो है ऊपर की कैप बनी हुई थी इसकी, ये निकल चुकी है बाहर और आपको दिख रहा होगा सारे पॉइंटों में एल्फी गई हुई है, तो ये प्लेट के ऊपर भी एल्फी काफ़ी फैली हुई है दोस्तों। तो प्लेट को निकालना है बाहर, प्लेट को भी देखते हैं निकाल के सेफली। तो इसको भी ऊपर की तरफ उठाते चले जाएंगे, क्योंकि ये दो लॉक के सारे ही अटकी होती है, अगर एल्फी ना लगी होती तो आराम से निकल जाती, लेकिन एल्फी के कारण ये काफ़ी चिप चुकी है। तो हमें इसमें सेफली ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहीं और कोई प्रिंट वगैरह ना फट जाए, कोई इसका
जो भी इसके पार्ट्स हैं छोटे मोटे जो लगे होते हैं, डोइड वगैरह कोयले वगैरह लगे होते हैं दोस्तों, छोटी मोटी आईसियाँ हैं, उनको भी हमें सेफली बचाना पड़ेगा यहाँ से, कभी ये ना टूट जाए। तो इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत हिला के निकालते हैं, देखते हैं हिला के निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो देखिए थोड़ा बहुत एक साइड से उठ चुका है, लेकिन जो बीच वाला लोक है, जो पहले वाला लोक आपको तारों के पास दिख रहा है, ये वाला लोक है, ये यहाँ पे जाम हो चुका है। तो इसको भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा कट करते रहेंगे, जिससे कि एलपी वगैरह टूटती चली जाएगी दोस्तों। तो इसके अंदर ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते चले जाएंगे चारों तरफ से। तो देखिए हमने इसको डाला, लेकिन ब्लेड भी थोड़ा टूट चुका है, तो इसको थोड़ा और उठा के देखते हैं, इसको घुमा के देखते हैं थोड़ा दोस्तों, घुमाने से शायद टूट जाए। तो हिलने तो लग गया ये, और देखिए घूमने भी लग गया है, तो घुमा देंगे इसको पूरा। घुमाने से देखिए बिल्कुल ये बाहर आ चुका है, अगर एल्फी ना लगे तो सीधा बाहर खींचते तो बाहर की तरफ आ जाता ये। तो इसमें देखिए दोस्तों जहाँ पे चार्जिंग जैक लगनी है वहाँ के भी प्रिंट फट चुके हैं यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दो प्रिंट थे ये फट चुके हैं, और ये पीछे के दो ही प्रिंट बनाए गए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, जो चार्जिंग का काम करता है, बाकी आगे के प्रिंट है वो भी फट चुके हैं। तो इनको देखते हैं थोड़ा बहुत सेफली करके, यहाँ पे अगर जंपर की जरूरत पड़ी तो जंपर लगाएंगे, बाकी जो ये दो पॉइंट दिख रहे हैं इसके अंदर से जो होल हो रहे हैं, तो इनके अंदर से ही चार्जिंग जैक चली जाएगी, और दूसरी साइड से इसमें टांके लग जाएंगे। तो इसको एक बार साफ़ कर लेते हैं, जितनी एल सी देखते हैं क्या क्या प्रिंट और फटा है इसका नहीं फटा। तो देखिए एल सी से हमें साफ़ करने के बाद दिख रहा है साफ, दो प्रिंट फटे हुए हैं, और जो सुराख हैं दो सुराख में हम चार्जिंग जैक की पिने डालेंगे, और पिने डाल के उनको यहाँ से टांका लगा के मजबूत कर देंगे, और बाकी जो जहाँ से प्रिंट फटे हुए हैं वहाँ पे एल पी की सिर्फ एक ही बूंद रखनी है, ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा बूंदें रखनी, एक एल पी की बूंद रखे, इन जो होल दिए गए इन होलों के साथ इनके जैक के पॉइंट डाल देंगे, जिससे कि पक्का काम हो जाएगा, चिपक जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग कर देंगे, तो देखिए जो एल पी लगेगी उससे भी मजबूत हो जाएगी, और वो जो टांके लगेंगे उससे भी मजबूत हो जाएगी, बाकी जो पीछे वाले दो पॉइंट है उन पॉइंटों पे हम क्या करेंगे, जंपर की मदद से लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कि हमने जैकेट इस पे लगा दी है, आपको बता भी दिया कैसे लगेगी इसमें, बाकी हमने आपको दिखाते लगाने के बाद, देखिए एक ये प्लस का पॉइंट था यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, एक माइनस का अटैच कर दिया, और इसमें देखिए नीचे दो ये दो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे हमने लगा दिया, सोल्डरिंग कर दी है, और नीचे यहाँ पे बीच में बिल्कुल यहाँ पे एलपी से इसको चिपका दिया है, तो काफ़ी मजबूती मिली है दोस्तों इसको इस चीज़ से। तो इसको फटाफट चार्जर लगा के देखते हैं, चार्जर लगा के ये चलता है या नहीं चलता है दोस्तों। तो लगाते हैं चार्जर इसमें, देखिए तो चार्जर लगाने के बाद इसको बिल्कुल आराम से लगाना है दोस्तों, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चार्जिंग लगाने में। तो देखिए लगाते ही इसमें चार्जिंग की लाइट आ चुकी है, चार्जिंग की लाइट आने के बाद इसको ऑन करके देखते हैं, बाकी ये ऑन तो हो नहीं रहा है क्योंकि अभी चार्जिंग लगाया है तो बैटरी डाउन होगी। तो एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी वोल्टेज है, 20 वोल्ट पे रखेंगे दोस्तों मल्टीमीटर के, जो डीसी का पॉइंट होता है उस पे 20 होता है, 20 वाले वोल्ट पे रखेंगे, जिससे कि हम इसकी बैटरी की वोल्टेज चेक कर सकते हैं, क्योंकि 20 पे रखेंगे तभी हमें पता लगेगा इसमें 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, या 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, जो भी वोल्ट आएगी। तो देखिए हम लगाते हैं एक प्लस पे एक माइनस पे, तो इसमें देखिए दोस्तों आपको 1, 20, 1, 21, 22, 23 होती दिख रही होगी, मतलब ये चार्जिंग से ही हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये जीरो थी, जीरो से ये थोड़ा सा उठा है एक पॉइंट। तो इसको अब थोड़ी देर चार्ज करके देखेंगे, और चार्ज करके फिर इसको चला के देखते हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसको फटाफट चार्ज कर होने देते हैं, 5-10 मिनट या 15 मिनट जितने भी देर में ये चार्ज होगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे इसको, फिर इसको चला के देखेंगे दोस्तों। जो हमने इसको देखिए चार्ज कर लिया है, बैटरी की वोल्टेज भी 3 वोल्ट से ऊपर हो चुकी है, 3.5 वोल्ट से। तो अब इसको ऑन करके देखते हैं, ऑन करने के बाद ये चलेगा नहीं चलेगा। तो फटाफट ऑन लगाते हैं इसको, करते हैं ऑन बटन से। तो देखिए हमने बटन को ऑन किया, और ऑन करते ही ये चल चुका है जहाँ की ये, तो देखिए बिल्कुल सही तरह चल रहा है ये। अगर इसको छोड़ देंगे तो ऊपर की तरफ उड़ेगा या नीचे की तरफ गिरेगा ये तो पता नहीं हमें, लेकिन ये चालू हो चुका है, इसकी फंकटियाँ जो घूमने लगी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अब इसको हमें जैसे जैसे हमने इसको खोला था सेफली वैसे इसको फिट करना है, एक एक नट लगा देने हैं, और बाकी जो ऊपर की बॉडी है वो फिट कर लेंगे। तो फिट कर लेंगे तो आपको ये देखिए चालू भी हो चुका है हमारा हेलीकॉप्टर है, तो इसको फटाफट फिट कर लेते हैं। और आप बताना कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि ऐसी नॉलेज और लोगों के पास जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसको चार्ज वगैरह करके अच्छी तरह चेक कर लेंगे उड़ा के, तो बाय बाय दोस्तों।